अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने लगे हैं। वो टॉपिक है विंटर रिलेटेड, जो हमारा सीज़न चल रहा है सर्दियों का। इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करती चलूँ और कुछ चीज़ें बीच में ऐड भी करूँगी कि जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। सबसे पहले ये ऐड करूँगी कि एक जो सर्दियों का सीज़न है जो आया है, सारी दुनिया मीन्स के इस वेदर का इंतज़ार करती है। स्पेशली हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सिंध और पंजाब के साइड पूरा साल इस वेदर का इंतज़ार करते हैं, बिकॉज़ ये के वेदर बहुत अच्छा है, इसलिए वेट किया जाता है कि वो नॉर्दर्न एरियाज़ में आए, जैसे हमारे देख सकते हैं। और सब अपडेट ऑलमोस्ट रहते ही हैं कि हमारे नॉर्थ साइड पे और हमारे गिलियाद साइड पे स्नो फॉलिंग का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी हद तक स्नो फॉलिंग हो चुकी है और अभी और भी मोस्टली एक्सपेक्टेड है। और अगर देखा जाए तो हमारे वेदर अपडेट में भी ये चीज़ है कि इस साल काफ़ी शदीद सर्दी पड़ने का इम्कान है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि लास्ट ईयर हमारा एक इंसिडेंट हुआ था मरी के अंदर जिसमें काफ़ी सारी हलाकतें हो चुकी थी। इस बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि होप सो कि नेक्स्ट आने वाला टाइम ऐसा बिल्कुल भी ना हो जो हमसे गलतियाँ हो चुकी हैं। मैं यही उम्मीद करूँगी कि मेरे समेत कोई भी ऐसी जो है वो गलती ना करे। सबसे पहले अगर तो आप ट्रैवलर हैं और अगर आप नॉर्थ साइड पे या गिलियाद साइड पे ट्रैवलिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका ये वेदर बहुत अच्छा गुजरे, तो सबसे पहले आप जब घर से निकलें तो अपनी वेदर अपडेट को ज़रूर जो है वो करके जाएं कि वेदर कैसा है और क्या हमारी चेंजिंग होने लगी है वेदर में नेक्स्ट जो भी आपका कितने भी दिन का ट्रैवल हो। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप ट्रैवल करें तो आप अपने साथ जो व्हीकल लेके जाएं वो एक एटलीस्ट बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ियों में ट्रैवल ना किया जाए। और विंटर में स्पेशली स्नोई जो एरिया है वहाँ पे अपनी गाड़ी के साथ जो है वो अपनी चेन और इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो आपको यूज़ होते हैं वो एक अपने साथ कैरी ज़रूर करें। तीसरी चीज़ ये कि जब भी आप ट्रैवल करें तो आप टूरिस्ट सर्विस सेंटर्स पे ज़रूर जो है वहाँ पे जाएं, उनसे अपडेट भी लें, वेदर की भी अपडेट लें और इलाके की स्पेशली अपडेट लें कि इलाके में कौन सा इलाका सेव है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वो आपको बेटर जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके इंटरनेट और गूगल से बेटर अपडेट्स वो दे सकते हैं, बिकॉज ये कि उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो जितने भी इदारे हैं वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, आप उनके साथ भी तावन करें और खुद भी जो है बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ कॉपरेट करें और उनके उनके साथ मिलके चलें, तभी तो इन इंसिडेंट से हम बच सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि जब भी आप ट्रैवल करें तो एटलीस्ट अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को ज़रूर जो है वो देखें कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ के रोड्स ओपन हैं नहीं हैं, वहाँ पे व्हीकल जा सकती है नहीं जा सकती, तो प्रॉपर इसकी आप अपडेट ज़रूर लेके जाइए। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी इसमें ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि जहाँ हमारे टूरिस्ट जाते हैं तो एटलीस्ट वहाँ के जो लोग हैं उनको टूरिस्ट के साथ कॉपरेट करना चाहिए। इन केस अगर कोई मिसहैप हो भी जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हैपन हो जाता है, तो उनको चाहिए कि टूरिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। हमारे स्पेशली अगर इन केस ऐसा कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो होटल वालों और वहाँ के लोकल्स को ये चाहिए कि मुनाफाखोरी से बचें और उनसे जितना अच्छा हो सकता है बर्ताव रखें, अपनी मेहमान नवाजी को जो है उसको प्रमोट करें, बिकॉज़ यही हमारा पाकिस्तान का कल्चर है। हमारा पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग इसकी सिर्फ हॉस्पिटैलिटी को देख के आते हैं। तो आप अपने आप को भी सेफ़ रखें और दूसरे को भी सेफ़ रखें। इसके साथ साथ एक पैगाम ये भी देना चाहूँगी कि आप अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें और इस वेदर को ज़रूर इंजॉय करें। मैं ये ज़रूर बिल्कुल कहूँगी, डेफिनेटली ये साल में जो वेदर है ये 2 से 3 महीने का होता है जिसमें स्पेशली स्नोफॉल होती है, तो आप इस वेदर को इंजॉय करें, लेकिन साथ साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। और जैसे आप ट्रैवल पे जाते हैं तो आप अपने ड्रेस कोड ऐसे रखें कि आपको वहाँ पे जो है इन केस अगर लेट्स सपोज आपको कोई मिसहैप हो भी जाता है तो आपके पास अपने आप को सेफ या प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको वहाँ पे काम आ सके।